सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रो मींस वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मींस कैन वी सी विद अवर आईज? नहीं, नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए क्या करना होगा? कैसे हमें पता चला ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एटमॉस्फेयर में है? क्यों? बिकॉज वी कैन सी थ्रू अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप या हैंड लेंस। सो अगर हमें डेफिनेशन दे दी है तो हाउ कैन वी से द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैनॉट सी, नॉर्मली कैनॉट सी आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। सो कहीं कहीं आपको यह वर्ड भी पढ़ने को मिलेगा, माइक्रोब्स। सो दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर जनरली कैनॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आइज। नेकेड आइज मीन्स हम अगर अपने चारों तरफ देखें, कैन वी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म? नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप क्या कहेंगे, ये सामने है ही नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रहे? नो, दैट इज नॉट ट्रू। वो अभी भी वी आर सराउंडेड बाय नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है, हैं, बट दे आर सो टाइनी, दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड? सो अभी मैंने जैसे कहा हमारे चारों तरफ हैं, तो डू यू बिलीव मी? अगर बिलीव नहीं होता तो लेट अस सी कि वो कहां कहां मिल सकते हैं। दे कैन बी फाउंड इन सॉइल, इन एयर एंड इन वॉटर। सो सबसे पहले हम एयर को ले रहे हैं। सो हमारे चारों तरफ क्या हवा है ना, हवा में दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। दैट्स व्हाई इवन एट द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग, इवन अगर आप अपने बॉडी को देखें तो देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑन योर बॉडी। लेकिन आप क्या है, आप हेल्दी पर्सन है, दे कैन नॉट हार्म यू, या वो हार्म करने वाले हो भी नहीं सकते हैं। सो बिकॉज हमें ये पता चल गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हेल्पफुल या हार्मफुल, बोथ वेज हैं, और वो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, सो एंड इन वॉटर ऑल्सो। तो आप कोई चीज ऐसी जगह सोच सकते हैं जहां पे हवा नहीं हो, मिट्टी नहीं हो या पानी नहीं हो? यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनी सच प्लेस। सो दिस मीन्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट अराउंड अस, दे आर सराउंडिंग अस एंड दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर एंड एनीवेयर। सो बिफोर वी गो फर्दर लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या है, ब्रेड है, ब्रेड में आपको ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन जनरल टर्म वी से हम कहते हैं ये ब्रेड खराब हो गई, खराब मींस क्या, इस पर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फीडिंग ऑन, वो इसमें से खाना लेना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें से निकलते चले जा रहे हैं। एंड बिकॉज अब जब इतना है, दिस मीन्स बहुत ज्यादा माइक्रो, जब हम कह रहे हैं वी कैन नॉट सी बाय अवर नेकेड आईज, तो इफ आई टेक ओनली दिस पोर्शन, तो इसमें व्हाट डू यू थिंक, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट इज नॉट गुड फॉर अस टू ईट दिस ब्रेड। जनरली क्या होता है, हम कहते हैं खराब हो गई, फेंक दो, खाओ नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, वी से दीज टर्म्स। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस जो ब्रेड में होता है, तो हम इसके लिए एक जनरल खराब वर्ड यूज करते हैं, या जनरली वी से फंगस लग गई है। सो दिस फंगस इज अ नेम ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फंगस लग गई है मीन्स वो फंगस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस ब्रेड पर डेवलप हो रहा है। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस दैट ग्रोस ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो अगर ये जो चीज खराब हो गई है, जैसा अभी मैंने कहा था कि इट इज नॉट वेरी सिंपल टू सी सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अवर नेकेड आईज, लेकिन वी कैन, ये जो हमारी फंगस लगती है वी कैन सी थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप एक बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है,
जनरली अगर एक आपको एग्जांपल दें, जासूस जैसे आप देखते हैं, एक लंबा हैंडल होता है और एक शीशा, एक लेंस सा होता है एंड उससे वो देखते हैं. सो दैट इज नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास. तो इफ यू कीप मैग्नीफाइंग ग्लास इसके पास लाए तो आप देखेंगे छोटे छोटे, आपको वो चीज जो आंखों से ऐसे नहीं दिखाई दे रही, यू कैन सी स्मॉल आउटग्रोथ. सो दिस इज अ फंगस दैट कैन बी सीन बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म. लेट अस लर्न द नेम्स. बैक्टीरिया, कैन वी सी बैक्टीरिया? लेकिन आपने सुना होगा दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज. एंड आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा कि सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल टू मेक सम मेडिसिन या और भी बहुत चीजें डेट वी आर गोइंग टू लर्न एज वी मूव इन दिस चैप्टर. फंगाई, जैसे फंगाई फंगस जो अभी हमने पढ़ा. प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं तो ये भी हम थोड़ी देर में और डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन दीज आर द नेम्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गनिज्म. एल्गी, एल्गी काई जो हम कहते हैं पानी के, हमारे कहीं अभी जैसे अगर कहीं बारिश बहुत होती है या बहुत टाइम के लिए वहां से पानी इज नॉट मूविंग, एक जगह स्टेगनेंट है, वो चल नहीं रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है. सो थोड़े टाइम पे हम एक ऐसे ग्रीन पैचेस देखते हैं. कैन यू सी दीज ग्रीन पैचेस? दीज ग्रीन पैचेस आर एल्गी एंड एल्गी आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो आप क्या सोच रहे हैं, ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, आप कह रहे हैं ये वी कैन सी बाय अवर नेकेड आईज. नो, ये तो बहुत ज्यादा मीन्स इसमें देयर आर थाउजेंड ऑफ इट. तो वो एक हमें बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अलग ही चीज देखने को मिलेगी. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. देयर इज वन मोर माइक्रो ऑर्गनिज्म दैट आर नोन एज वायरसेस. सो वायरसेस क्या है? दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक देखिए, नाउ यू आर लर्निंग वन मोर न्यू टर्म. माइक्रोस्कोपिक मीन्स दैट कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो अगर हम कोई चीज कहें दिस इज माइक्रोस्कोपिक, दिस मीन्स इट इज नॉट विजिबल बाय अवर नेकेड आईज, इट इज विजिबल ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब ये वायरस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्या कहें, एक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि बिकॉज इट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. मीन्स जिस पर वो होता है, विच कैन बी, जो होस्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है, या तो बैक्टीरियम हो सकता है, या कोई प्लांट हो सकता है, या कोई एनिमल हो सकता है. सो वायरस इज अ वेरी, बहुत ही एक कंफ्यूजिंग हमारे सामने एक थिंग है, क्योंकि वी कैनॉट से टू बी इट किल, इट इज लिविंग या नॉन लिविंग. वायरसेस के लिए वी जनरली से इट इज इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्यों? अगर ये किसी लिविंग थिंग से अटैच नहीं होता है तो इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है. लेकिन द मोमेंट इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एनी लिविंग थिंग लाइक एनी प्लांट और एनिमल या कोई बैक्टीरिया, मीन्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग. इसलिए हम ये थोड़ा सा हमारा वायरस को हम अलग से पढ़ते हैं. ठीक है, नहीं तो जनरली और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं एंड अपने आप ही वो मल्टीप्लाई होते हैं. बट वायरस मल्टीप्लाइज ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एनी लिविंग थिंग. एंड जो अभी हमने पढ़ा कि इसमें एक यूनिक थिंग क्या है कि इट रिप्रोड्यूसेस ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एनी लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ. Now there are some diseases related to microorganisms. जैसे अभी हमने पढ़ा था they are foe, means harmful. Harmful है, इसका मतलब है वो कोई ना कोई डिजीज करेंगे. So virus जो डिजीज करता है वो क्या करता है, like cold, जुकाम हो जाता है आपको. So हम क्या कहते हैं, viral infection हो गया. Viral infection means virus ने attack कर दिया. Influenza means flu, बुखार होना. कफ,
खांसी होना, पोलियो, जब आपके पैर खराब हो जाते हैं, आप देखते किसी की एक टांग ठीक होती है, एक टांग बहुत पतली होती है, या दोनों पैर बहुत पतले होते हैं, तो वो पोलियो। छोटे बच्चे हैं अगर आप जब होंगे तो यू मस्ट बी ड्रिंकिंग पोलियो ड्रॉप्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। तो दीज आर वायरसेस डेट आर हार्मफुल और ये हमें ये डिजीजेस देते हैं। एक हमने पढ़ा था वायरस का नाम, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सी डिजीज करता है, लाइक डिसेंट्री या मलेरिया। डिसेंट्री मीन्स जब आपको लूज मोशंस होते हैं, आप कुछ नहीं खा पाते हैं, आपको बार बार मोशन के लिए जाना होता है। एंड मलेरिया इज अ नेम ऑफ अ फीवर जो मच्छर के काटने से होता है। तो अगर मच्छर को हम मॉस्किटो को कैटेगराइज करेंगे तो इट इज अ प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज लाइक टाइफॉइड। तो आप क्या है, टाइफॉइड इज अ टाइप ऑफ फीवर, बुखार का नाम है, लेकिन ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है। मीन्स इस टाइप के जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, देन दिस डिजीज कैन बी जनरेटेड। एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, सो टीबी इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे कैन नेम इन क्वेश्चन, द टीचर कैन आस्क फॉर एनी टाइप ऑफ डिजीज, दे विल नेम द डिजीज एंड विल आस्क यू टेल अस कि वेदर दिस इज अ वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, या बैक्टीरियल डिजीज, या प्रोटोजोअल डिजीज। तो यू हैव टू लर्न द नेम, जैसे टीबी इज अ बैक्टीरियल डिजीज। सो वॉट डिड वी लर्न टूडे, टूडे वी लर्न अबाउट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ लेंस लाइक द फंगस डेट इज ग्रोन ऑन ब्रेड। उसके साथ हमने एक और चीज सीखी, हमने देखा कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन बी फ्रेंड एंड फो। अभी फ्रेंड कैसे हैं वो हम जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेट। लेकिन फो का अभी हमने देख लिया कि देयर आर सम डिजीजेस डेट आर रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने टाइफाइड देखा, टाइफाइड क्या है, हम सिंपल कहते थे बुखार है, बट टाइफाइड एक्चुअली क्या है, ये बैक्टीरियल हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और वो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर उस इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो जो फीवर होता है, जो वो बुखार होता है, वो एक सिम्टम होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया ने हमारे बॉडी पे अटैक कर दिया है। उसके साथ हमने मलेरिया देखा, मलेरिया क्या है, अगेन एक टाइप का फीवर है, लेकिन डेट मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। अब ये जो हमने जो अभी पढ़ा, प्रोटोजोआ का हमने देखा, बैक्टीरिया हमने अभी बिल्कुल अभी स्लाइड में देखा, सो इनके भी हम और डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो पर्टिकुलर मलेरिया का एक अलग से प्रोटोजोआ का नाम होता है, टीबी जो करता है उसमें कोई बैक्टीरिया का स्पेशल नाम होता है। तो एस वी विल मूव इन द चैप्टर, और जब आप ऐसे क्लासेस में यू विल कीप ऑन मूविंग ऑन, तो यही आपके और डिटेल यू आर गोइंग टू लर्न। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टिल देन ये जो अभी चार्ट आपके सामने है और आपको पता चल गया क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, स्टार्ट लर्निंग फॉर दिस पार्ट, दिस टेबल। In the next session, we are going to meet again. Till then, take care. Bye.